और भाई जी आपका छोरी कौन ना जी तो पड़ोस रहा मैं देख दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस ना आज मैं बैठी हूँ बालकनी में, घर से ठंडी ठंडी हवाओं में, मौसम में इतने अच्छे मौसम में, तो मैं मुझे खाना चाहिए ये दूध बिस्किट। और गाइस ना आज मैं जाऊँगी स्कूल, आज है मेरा स्कूल का दूसरा दिन। तो गाइस ना आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं स्कूल जा रही हूँ, वो भी थर्ड क्लास में। और गाइस ना जब मैं स्कूल गई थी ना, मैं स्कूल गई थी ना, यहाँ से मैं खिड़की थी ना, इतनी हाई लग रही थी ना, वो ना ऊपर लग रही थी ना, क्या बताऊँ। तो गाइस ना क्या लग रही थी, हाई मतलब ऊपर, बहुत ऊपर हाइट, हाइट हाँ। तो गाइस आपको मैं बताऊं, ये लड़की है ना मतलब बालकोनी में बैठ के, देखो आपको बालकोनी में बैठ के दूध बिस्किट खा के जाती है। इधर लगा दी मैंने मशीन, लेकिन बंदी बालकोनी में बैठती है क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, एसी भी फेल हो रही है ना इसमें, यहाँ तो कितनी ठंड है ना। तो गाइस मेरा भी दूध है, मैं तो थोड़ा ही दूध ली हूँ, तो मैं भी दूध पी लेती हूँ। ईशू के साथ साथ मैं भी दूध ले लेती हूँ डेली, मैं और ईशू दोनों। अच्छा शाम ने गलती कर दी, बेग नहीं दे छुपाए है ना, मैं लॉक लगाने वाली थी, फिर मुझे समझ में आ गया कि आप आ गए। गुड मॉर्निंग ईशा, पापा से गुड मॉर्निंग बोलो। बाय करो पापा से। तो गाइस हमारे घर बन रही है आज स्पेशल रेसिपी, स्पेशल खाना छोले भटूरे। और ईशु देखो जाहिदे के पड़ी जाए, अभी कच्चे को खाएगी है। क्या हो रहा है? इसे कच्चे को खाएगी क्या? ब्लॉक भी बन रहा, ब्लॉक जैसे पागल हो गई, बता आटा भाई ध्यान दे रखी है। आ गए थे ना, पहले मैं आपको बता दूँ ना, जब रोटी बनती है ना, रोटी का आटा ना, जब मैं बाहर नहीं रहती, और जब देखो अभी छोले का आटा बन रहा है ना, भटूरे का, छोले का आटा नहीं भटूरे। या भी आपको बेटी या तो काम ही करेगी, देख लो जो है ना, देखो सीधो डुबू, मम्मा प्लीज हेल्प, मम्मा की हेल्प करो प्लीज, डुबू करो, मम्मा की हेल्प करो। अरे देख तीनों तो गाई जी, यह बात बड़ा लोग ने सही, बड़ा आदमी ने मतलब यह बात सही लिखी है और सही कही है। पहले के टाइम पे बड़े आदमी होते थे ना, ये कहते थे कि ना एक बेटा और बेटी में इतना अंतर है कि बेटा अपनी माँ बाप से दूर हो जाता है लेकिन बेटी नहीं होती, और पूरे काम में हाथ ना बेटियां ही बटाती है ना कि बेटे। बेटा को तो ब्याह करने का बाद में लुगाई आ जाए, फिर देखो अभी भी बच्चा वही सब कुछ है, माँ बाप कुछ नहीं है, लेकिन बेटी को भी शादी करके ससुराल में जाने के बाद में भी अपने माँ बाप दिखा। इसलिए तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी जब ना बाद में ऐसे लगेगा तुझे कि और आज मैं खुद छोले भटूरे बना रहा हूँ, एक दिन मेरी मम्मा बना के खिलाती थी। और भाई जी आपका छोरी कौन ना जी तो पड़ोस रहेगा मैं देख दे। कि मेरे भी होती गाय जी, फैक्ट बात है, हमारी ईशू हमें चाय बना के पिला देती है तो बहुत प्राउड फील होता है हमें, मतलब इसके पापा को तो मेरे से ज्यादा होता है। लेकिन ना मम्मा ने मुझे मना कर दिया, अब से चाय ना मैं बनाऊंगी, तूने बहुत दिन बना लिया। बना क्या लिया गाय जी, इतनी क्या कर रही, मैं तो इस रूम में सो रही हूँ, ये चाय बनाती है तो इसको गैस चलाना आ गया। तो उस दिन क्या जला रही, एक कपड़ा लिया, कपड़ा वपड़ा कुछ जला रही थी ना, पेपर जला रही है, कागज जला रही है गैस चालू करके। और मुझे सोती हुई को पंखा एकदम से स्माइल आई ना, मुझे वो पंखे ने खींच लिया एकदम से, ऐसे आई ना मैं भक्के आई नींद, मेरे में ना खड़ी थी तो मैंने ये बोला ना, ये क्या हो गया? अरे ईशु बोली, अरे भाई रे क्या हो गया, डरा दिया मम्मा है ना, ईशु डर गई थी ना। ईशु इतनी देर शॉक ऐसे हो गई कि क्या हो गया मम्मा, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया मम्मा, मैं ही डर गई। ईशु तो लग रही थी अपना जड़ा कर चुपके चुपके कर रही थी काम। तो ऐसे ना फिर मैंने इसको उस दिन मना ही कर दिया, बेटा तू आज के बाद में नहीं चाय वाय बनाएगी। और देखो गाइस मेरी बेटी आटा लगा दी मेरा, बन गए छोले भटूरे। वाओ इसको दे भी आई, मैं देख के आऊं, इसको दे भी है। चलो ये बताओ कैसे बनता है, देखिए पूरे फूलेंगे, एक्सपर्ट है खाना बनाने में तो।
खाना बनाने में तो एक्सपर्ट हूँ मैं, बेटी भी किसकी हूँ? अच्छा, मेरे पापा की। ये देखो। और बीवी किसकी हो? मेरे पति। और ईशा से पूछ के आओ। ईशा कैसे टेस्टी बना बेटा? हाँ कैसे बना? बहुत टेस्टी। डू खिलाओ। देखो देखो, अरे वाह, यम्मी यम्मी। तो गाइस अगर किसी को छोले भटूरे खाने हैं तो एक नंबर छोले भटूरे बनते हैं मेरे घर पे, तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। एक प्लेट होगी 70 रुपए की। चल कोई बात नहीं, तेरे को होटल खिला देते हैं, उसके बाद में ठीक ठाक खर्चा पानी निकल जाएगा अपना। देख, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। क्या लेना है, क्या लेना है मुझे बताओ, जब तेरे से नाम भी नहीं आता अभी रिमोट का। मोट का क्या स्काई करेगी बताओ? इतनी बड़ी हो गई जो आप ऐसी चलाओगी? मोट मोट है टूटू टूटू। तो रिमोट क्यों ले रही हो दीदी से? फोन छीन रही हो मम्मी से? तो गाइस ना, इसके पापा तो चले गए और इन दोनों की लड़ाई देखो, एसी के ऊपर लड़ रही है दोनों। दोबारा चालू कर उसको बंद करके। तो कोई बात नहीं, फैन में सो जाएंगे, नहीं चालू हो रही तो। स्कूल नहीं जाना, सुबह 11 बज गए। छोला भटूरे इसीलिए बनाती हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए कि तुम दोनों लड़ाई लड़ो खा खा के दोनों? वो तू इतना सा टींडरा सा बच्चा हो के भी, इतना छोटा बच्चा हो के इसी के बारे में क्या जानते हो? है ये चप यस शुजू खोलो। तो गाइस देख सको, आप देख रहे हो मेरी दोनों लाडो कैसे लड़ रही है। यही पागल है, पूरी की पूरी पागल। डुबू दीदी से सॉरी बोल दो। आप कौन हो फिर? रानी हूँ मैं, लड़की। रानी? तो ये छोटी रानी होएगी। रानी है तो ये छोटी रानी है। दोबारा चालू कर अब। गाइस ये सीन है मेरे बच्चों का, मैंने छोले भटूरे बनाए, दो दो दोनों ने खाए और खाने के बाद में और उसके बाद में ऐसे मेरे ऊपर झगड़ा कर रही है दोनों लड़कियां। अब सुबह ईशु को अगर ये झगड़ा करेगी ना तो सुबह क्या नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे?